फ्रेंड नमस्ते। टुडे वी डिस्कस अबाउट कैटेगरीज ऑफ मेल। जैसा कि हम जानते हैं, दूध हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। मिल्क इज कंसिडर अ कम्प्लीट फूड बिकॉज मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल द नीड्स ऑफ अवर बॉडी एंड मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स कैल्शियम एंड अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट। और मिल्क में वाटर कंटेंट भी पाया जाता है। द वाटर कंटेंट ऑफ मिल्क प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिहाइड्रेशन। वाटर कंटेंट जो मिल्क में पाया जाता है वो हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। एंड जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, मिल्क में दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, फर्स्ट वे प्रोटीन एंड सेकेंड केसिन। केसिन आर ऑल्सो टू टाइप्स, अल्फा केसिन एंड बीटा केसिन। बीटा केसिन आर अगेन टू टाइप्स, A1 एंड A2। अब आप सोच रहे होंगे A1 और A2 क्या है। सो A1 एंड A2 आर द कैटेगरीज ऑफ मिल्क। टुडे इफ वी गो मार्केट एंड वी बाय मिल्क फ्रॉम बिग मार्केट और बिग शॉप, देन मिल्क इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज A1 एंड सेकेंड इज A2। A1 टाइप किसको बोलते हैं? A1 टाइप मिल्क वो होता है जो हमें विदेशी गायों की ब्रीड से मिलता है या फिर मिक्स रेस की ब्रीड से हम पाते हैं जो दूध, उसे हम A1 टाइप मिल्क बोलते हैं। ऑलमोस्ट A1 टाइप मिल्क ही हमें मिलते हैं। और A2 टाइप मिल्क क्या है? A2 टाइप मिल्क वो है जो हमें इंडिजीनियस ब्रीड के गाय से मिलता है। इंडिजीनियस बोले तो देसी गाय। और दोनों में अच्छा कौन सा दूध होता है हमारे लिए? तो A2 टाइप मिल्क जो है वो ज़्यादा सेहत के लिए भी अच्छा होता है, इजली डाइजेस्टेबल भी होता है हमारे लिए। सो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करें कि आप लोग जब भी मार्केट जाएँ तो पैकेट पे देख के A2 टाइप मिल्क लें, बिकॉज A2 टाइप मिल्क इज कंसिडर्ड मोर सुपेरियर देन A1 टाइप मिल्क। सो गाइज, प्लीज़ जब भी आप लोग जाएँ मार्केट, प्लीज़ पैकेट पे देख के पढ़ के लें, A2 टाइप जो मिल्क हो वही यूज़ करें। सो दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।